लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कलंक है इस गांव के नाम पर कि आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अरे गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने वाला एक अदना सा आदमी कैसे शान से सर उठा के खड़ा है, और हम, अरे हम जिसके एहसानों तले इस इलाके का एक एक आदमी दबा है। अरे इंसाफ के लिए पंचायत बुला रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं कि हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है। अरे हम चाहे तो जोर जबरदस्ती और ताकत का ही बात करना था तो पंचायत काहे को बुलाया, आपस में ही फैसला कर लेते। शान, पंचायत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, ये कोई अखाड़ा नहीं है। गोविंद, सेठ मक्खनलाल का कहना है कि उनसे लिया तमाम कर्ज सूद सहित कुल 25,000 रुपया है, इसके एवज तुमने अपने भतीजी कांता का ब्याह सेठ मक्खनलाल से तय किया था। तुम्हारी चुप्पी कहती है कि ये बात सच है, फिर तो सीधी सी बात है और सीधा सा इसका फैसला। गोविंद, तुम सेठ मक्खनलाल के पैसे वापस दे दो और फिर जहां चाहे कांता का ब्याह कर दो। मगर इतना पैसा हम कहां से लाए? तो तुम्हारा क्या मनसा है कि हम अपना दिया हुआ रकम भी माफ कर दें? हैं सेठ जी, गलती तो सब हमारी वजह से हुई है, मगर अब आप नहीं काका, नहीं, इसके सामने मत गड़गड़ाना, पैसा हम वापस करेंगे। हाँ, अब देखो ही वापस करेगा पैसा। हाँ हाँ, पूरे 25,000 हम वापस करेंगे। कांता हमारी है, इसके घर परिवार का जिम्मा भी हमारा है। अरे पर क्या गारंटी है? एक मिनट हमें कहने दीजिए। पंचायत ने फैसला किया है कि पैसे पहले वापस करें। हम शादी कांता से तब करेंगे जब सेठ जी का एक एक पैसा सूद समेत वापस करेंगे। इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कौन देगा? वही जिसने तुम्हें हमें दिया है, तुम्हारे भोले बाबा। से जाते हो ना कुछ अनिष्ट हो ही जाता है। सचमुच बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं समझता हूँ, मगर जरा सोचो तो। मैं बस
अब हम कुछ नहीं सोचना चाहते। ए पार्वती, तो ये अपनी दीदी को समझाना। हम कहा समझाए, हमारी अपनी ही अकल काम नहीं कर रही है। हाँ, आज तो हमारा भी अकल काम नहीं कर रहा है। देखो, अगर हम नहीं गए तो पैसों का इंतजाम नहीं होगा, और पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो मक्खनलाल नहीं मानेगा, और फिर हमारी शादी कैसे होगी? तुम क्या समझते हो, हमारी समझ में इतना भी नहीं आता है क्या? फिर? हाँ, फिर? हमारा मन नहीं मानता। अरे कांता, मन के माने कहाँ होता है सब कुछ। बहुत कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तुम तो सब जानती हो ना। अरे ए, चंद महीनों की तो बात है, विश्वास कर, हम बहुत जल्दी लौट आएंगे। अरे जल्दी रहे पार्वती। अरे राम जी, रुकिए। हम तो सोचे कि बस लारी निकल ही गई। ऐसा कभी हो सकता है? तुमसे मिले बिना हम जा सकते हैं? सुनो, ये साथ रख लेना, हमेशा हमारी याद आती रहेगी। और सुनो, जल्दी लौट आना। हाँ, इस पर हमारे बंबई का पता है, हमारी चिट्ठी का जवाब देकर इसे गिरा देना। दुनिया की रस में, दुनिया की कस में तोड़ के आ जाना।
दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। अब आँख हटती नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आँख हटती नहीं, तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने ना हालत मेरी, दर्द में सहता हूँ, बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। क्या बात है भाई, तुम इतने अकेले क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बीड़ी पियोगे? नहीं भाई। कहाँ जा रहे हो? बॉम्बे। बॉम्बे जा रहे हो तो जरूर कोई खास मकसद होगा। मकसद जिंदगी का है भाई, एक उधार चुकाने के लिए कुछ जुगाड़ करने जा रहा हूं। तो इसके लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? जुगाड़ तो यहां भी हो सकता है। कैसे भाई? हम तो जोखिम का काम करते हैं, कुछ देशभक्ति हो जाती है और कुछ स्वार्थ। हम समझे नहीं? हम सब समझा देंगे, चलोगे हमारे साथ? हाँ चलिए। रघु भैया वो देखो। ए, रुको 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 रुको, हट हट हट, चल निकाल चिट्ठी। अरे आई कैसी नहीं होगी भाई, आज जरूरी आई होगी, ला हम देखते हैं ला। अरे नहीं आई भैया। पर्वतिया देखते जा, अरे आई होगी भाई। नहीं आई। अरे नहीं आई तो हमारी गली में काहे परेड करें, चलिए निकलिए मार्च। कैसे नहीं, आज पूरन मासी है, नहीं आए तो कोर्ट मार्शल नहीं कर देंगे। हटिया
अरे बाबूजी, हाँ बहन, ये पता बताइए ना। मालूम नहीं साहब जी, साहब जी। मगर सुनिए यार, प्लीज हेल्प अ ब्लाइंड मैन सर, प्लीज हेल्प अ ब्लाइंड मैन सर। ए बाबूजी, आप बता सकते हैं ये मोहल्ला कहाँ है? देख नहीं सकती, अपन ब्लाइंड है, अंधा। ओह, तो आप सूरदास हैं? हाँ। हम तो एकदम धोखा खा गए थे। अच्छा चलते हैं। जाती किधर है? अपन ही तो है वो। कौन? वही तुम्हारा राम गुलाम। अरे तो आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब देख भी सकते हैं? शर्म नहीं आती, दुनिया को धोखा देते हो। धोखा नहीं डार्लिंग, बिजनेस। पार्टनर बनोगी? चल हट, 420 कहीं का। लूज करेक्टर। क्या है? नहीं जी कुछ नहीं, बस। तो फिर इधर काहे को आई? चल जाए इधर से, इधर काहे को खड़ी है? हैं? ए, रोती है काहे को? अरे रोना ही था तो मुंबई काहे को आई? चले आते हैं सब कहां कहां से। राम जी, कहां हो मेरे राम जी? क्या मकसद था तुम्हारा? मकसद था तुम्हारा? क्या चाहते हो बता, काहे नहीं देते साफ साफ? चुप बैठे यहां उल्टा सीधा रचते रहते हो। जब चाह हंसा दिया, जब चाह रुला दिया, मगर देख लेना, हमरे राम जी को कुछ हो गया ना तो बस। मगर इतना तो पक्का है कि ये इंडियन बॉर्डर इंटेलिजेंस के अफसरों से मिला था। जी जनाब, ये खबर तो पक्की है। ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारी इंटेलिजेंस के पास भी इसकी कोई खबर नहीं। शायद पहली बार ही आया है, मगर यह पता लगाना पड़ेगा कि इसका मिशन क्या था। जनाब हमें तो नहीं लगता कि ये टूटेगा। न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं साले ये वतन परस्त हिंदुस्तानी। आओ बैठो ना, आओ बैठो, बैठो ना। सिगरेट पियोगे? जाहिर है तुम हमसे बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। वो वतन जिसके लिए तुम अपनी जान देने को उतावले हो रहे हो, वो जमीन तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं दे सकती। बस तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो। हमें पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, वरना तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। हम तुम्हें सब कुछ देंगे जिसके लिए तुम तरसते हो, सब कुछ। बस तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे।
उसे जाने क्यों दिया? हम क्या करते बेटा, हमारी तो तकदीर ही खराब है। एक तो तुम्हारी कोई खबर नहीं, दूसरा मैं खलाल का कूप। हम बहुत लाचार हो गए थे राम गुलाम। गंगा मैया, बस आज पार लगा दे। हे गंगा मैया, अरे हट हट, बाजू हट बाजू हट, संभाल के संभाल के, अरे हट बाजू हट। ये लो, खुद तो देखता नहीं, बाजू हट के। अरे रे, किधर से आई रे तू? अलीबाग से या झुमरी तले या से? नहीं नहीं, जिला रामपुर से। तभी तो चले आते कहां कहां से। ए मुन्ना, ए तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम रे? वो कहा है कि तू एकदम मुन्ना जैसा तो दिखता है। अच्छा अच्छा बोले, भी काम क्या है? तू हमारी मदद करेगा का? क्या है? हमको ये पते पर पहुंचना है। राम गुलाम भोई पड़ा बम्बई। हाँ। किसका बताइए? उनका। राम गुलाम तेरा घर वाला है? नहीं नहीं, होने वाला है। तो तू उसकी तलाश में आई है? हाँ। अकेली? हाँ। समझ गया। क्या समझ गया रे? यही कि अब तेरा वही असर होने वाला है जो फिल्म सड़क में पूजा भटका हुआ था। क्या हुआ था उसका? फिल्म नहीं देखती क्या? नहीं, बस एक ही फिल्म देखी है, जय संतोषी माँ। तो अब तेरी मदद जय संतोषी माँ ही करेगी, वरना सीधा कोठे पे पहुँच जाएगी। ए, कहाँ बोलता रे? हाँ, बित्ते बराबर छोकरा गजबर की जबान। ज्यादा डायलॉग नहीं मानेगा क्या आप उनके साथ? पीछे को टेंशन है, टिकट कटा और सीधा रामपुर चले जा, वरना मारी जाएगी और रसीद भी नहीं मिलेगी। ए, चल चल, मरे हमारे दुश्मन। तो तू अपने दुश्मनों को मरता दे, अपुन तो चलता है क्या? हाँ। ए, ए, सुन नहीं। स्वागत भाषण याद कर रहा है जेलर। जब 15 साल की उम्र में पहली चोरी, 3 साल बच्चों की जेल, बीजी चोरी, 2 साल अहमदनगर जेल, ठगी करके भागा,
पकड़ा गया, 1.5 साल की सजा, 6 महीने में जेल तोड़ के भागा पकड़ा गया, 7 साल की सजा, फिर फरार हुआ, पकड़ा गया तो 10 साल की कैद कड़क। अरे बाप रे बाप, यहाँ से भी भागा और अब यहाँ लाया गया है। सरस, बहुत सरस। भाई किशन लाल, लगता है तुम दौड़ते हुए ही पैदा हुए थे। अपन नए साहब, अपन की माँ दौड़ रही थी जब अपन पैदा हुआ। माँ दौड़ रही थी? बाजू वाले की मुर्गी चुरा के दौड़ रही थी। मुर्गी चोरी करके? हाँ, मुर्गी चोरी करके। उसकी नानी ने बोला था कि मुर्गी का सूप पिएगा तो बॉय बहुत सॉलिड निकलेगा। सरस, बहुत सरस। किशन लाल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बोला विजय साहब, जेल तोड़ना एक आर्ट है और उस आर्ट का मैं किंग हूँ। इस बात पे फूल आपके लिए साहब। लैला साहब, दुनिया भर के जेलर को अपने फूल दिया क्या? नासिक के जेलर को भी दिया था और उसके बाद वो सूंगा और 20 सेकंड के बाद बेहोश हो गया और अपन कल थे। किशन लाल, आज तक ये वक्त कोई दवा नहीं बना जो अपने को बेहोश कर सके। हां, और इस जेल से भागने का सोच निकाल दे दिमाग से। सुकम, हां काई को इतना माटे कि अपन का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आज तक अपना जेल तोड़कर कोई भाग नहीं सका। अरे फिकर मत करो, तुम्हें फिकर जरा पर ना करो, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, आपका भी तोड़ देगा साहब। देखते हैं कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। तारो के मारो। ए भाई, ले जाने 12 नंबर में गाली दे। ए किशन, क्या करूं यार, पिछले जेल से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। हाँ। सीधा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। भोशाना बन गए, ले लो भोशाना बन गए। क्या किसी की मेहनत की कदर नहीं करते? साफ खबरी गुजरे ले अंदर, संभाल के बस। किशन तू आ गया, मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुका हूं, आज ही रात को निकल जाएंगे। मैंने संडास की सलाख काट दी है। संडास के पीछे पेड़ है, पेड़ से छत पर और वहां से नीचे, यानी आजादी। अबे बाप, धर्मशाला है क्या? आया खाया पिया किसका भाई, ये लोग बहुत कड़क हो गए। तू कुछ भी बोल बेड़ो, इस बार मेरा प्लान पक्का है। शाम को जब कैदी बैरक में जा रहे होंगे तो सबका ध्यान उनकी तरफ होगा और अपन चुपके से निकल जाएगा सीधा उनके हाथ में। रहने दे। क्या रहने दे? अबे तेरा प्रोग्राम एकदम ठूस है भाई। तू कितने बार जेल तोड़ने का प्रोग्राम किया भाई? 17 बार। और कितनी बार पकड़ा गया? 17 बार। भाई मेरे को जरा भी टेंशन देना नहीं, क्या मैं अब एकदम लंबा प्रोग्राम बना के आया पीटर। अरे यार, एक बॉटल जामुन और पापलेट। स्वामी बराबर, अब तुम चला इतना कचरा करेगा तो आना ही पड़ेगा ना मेरे को। स्वामी हमने कुछ नहीं किया। स्वामी कुछ नहीं किया? मेरा केसन के पीछे कुत्रा का माफिक पुलिस को भगाया और अब इधर बिल्ली बन के खड़ा है, तो उसको फोकट में जेल में डाला तू साला गद्दार, साला कुत्रा हलकट। स्वामी हमें माफ कर दो स्वामी। अरे तेरे को तो मैं दुनिया से माफ करने के लिए आया हूँ। ए तांबे, कलाश कर कुत्रे को। नहीं नहीं स्वामी। ये कौन ओनर है? इसका घर वाली है। यह चुप रहे अलकर, ये तो मेरा गीता ओनर है। गीता गीता भगवान के लिए छोड़ दीजिए। लो बोलो। अरे ऐसा चीज मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? देख रहे हैं, मेरा भेजा ठंडा कर दे, एक बार मेरा गीता बन जा रहे, छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। आजा, आजा, आजा। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, छोड़ दे उसको, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसको। ये तांबे, स्वामी छोड़ दे उसको। बहुत बेसुरा जा रहा है, सुरमेला साले को ठंडा कर। क्या हुआ किशन? भाग गया। कैसे?
संडास की सलाख काटकर पेड़ के जरिए छत के ऊपर और वहां से संडास की सलाख। साला अपुन को उल्लू बना के भाग गया। किशन हरामी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबान संभाल के अपुन के गुरु को कुछ बोला कल आज कर डालूंगा। बाकी क्या किशन, जेल माती भागी क्या, हमें मजा आएगा। चलो कामे लागी जाओ, तुम्हें ये बाजू तुम्हें ये बाजू, मैं उसका पीछा करता हूँ। सलाख जाएगा किधर? अरे ब्रेक फेल है भाई। अबे जाबे कोई मिला नहीं। साला एक तो जेल से भाग के आया है, अगर चालान नहीं किया तो मैं अपना पूछ निकाल देगा। अरे भैया दादा, अरे भैया दादा, तुम क्या दिख रहा है भाई? ये क्या नाटक है भाई? किशन बाबू कहा है कि बंबई का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, हम सोचा कि जरा पुलिस का हाथ बटाएं, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल करें। भैया दादा पीछे पुलिस पड़ी, उन लोग को कंट्रोल करो जरा, वो पीछे देखो देख कहाँ। अरे अरे किशन छोड़ के बिना क्या क्या देखा? इधर नहीं नहीं, इधर उधर नहीं नहीं, इधर उधर उधर नहीं सर, इधर नहीं, पक्का इधर गया। मेरे को गांडा बनाता है, मैं सब जानता हूँ। चलो इधर भी हो सकता है सर, नहीं उधर ही गया, उधर गया पक्का। चोट तो नहीं लगी? अरे क्या बात कर रहा है लबड़ू? ए भड़ू, अब उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना? हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे हैं। क्या आपकी सूरत हम कहीं देखे हुए हैं? क्या है कि अपन कभी भेजा कुछ काम नहीं करने लगा? कल तो हमारी भी चकरा गई भाई, कहां से तोड़ के आ गए। सोच ले भिड़ू, ऐसा चैनल दोबारा नहीं मिलेगा। बरोबर बरोबर आप उनका डुप्लीकेट है। क्या कुदरत का करिश्मा है, कहां के रहने वाले हो? बॉम्बे। मुंबई? पर अपन तो अकेले पैदा हुआ था रे। पैदा तो हम भी अकेले हुए थे, पहाड़ों में एक गांव है बिलासपुर, वही। वेरी गुड। अरे पुलिस का सायरन, ये आपकी वर्दी, जेल की वर्दी। दोस्त लोग है ब्रू, दोस्त लोग है अपन के। क्या किशना अभी गया ना हमारा पांजरा में, चलो घेरी लगो साले को। क्या गया छोका? क्या अंदरिश पड़े ला बाप, बेहोश अपन तो गलती क्या। अभी गया ना हमारा पांजरे में, दिलदार सिंह राठौर से बचना बहुत मुश्किल है। मस्तानी की दीवानी की, जो उसको देखे बोले उई माँ। इसके नैना तीर कमान, इसकी पुलौजी मुस्कान, ये है दीवानों की जान।
अपन कुछ भी बोलेगा तो अपन को झूठा बोलती है। तू देखना नेक्स्ट टाइम जाएगा तो तेरे को साथ में लेके जाएगा। क्या जेल में ले जाएगा मेरे को? मैं क्या करेगी उधर? अरे क्या करेगी उधर, क्या करेगी? अरे मस्ती करेंगे तो डिंग डॉन करेगी, अपन बैठ के मस्ती लेंगे। क्या
फिर झूठ। अरे हमको नहीं मालूम जेल में क्या होता है। अच्छा क्या होता है जरा बता मेरे को। चक्की पीसनी पड़ती है वरना जेलर का डंडा लगता है। इसीलिए तो वहाँ से कम थे सबको टोपी पहना के। और शिवा 6 महीने से भागने का रास्ता बना रहे मेरे लिए। क्या तू फिर भाग कर आया जेल से? अरे तू फिकर मत कर, ऐसा पापलो फिट किया कि अपन को कुछ नहीं होगा। बहुत भारी बंदोबस्त किया। क्या क्या किया है तूने? कहीं कुछ? अरे आई नहीं, नहीं तेरे को बोल के फायदा नहीं क्या? तेरे को कुछ भी बोलेगा तो बोलेगी झूठ बोलता है, बराबर ना? अरे तू बस इतना समझ ले कि अपन दोनों जगह मौजूद है, उधर जेल में भी इधर बाहर भी। क्या ए, सोचने का नहीं। देवा एक बात पूछूं? अब पूछ। तू कभी हमारे बारे में सोचता नहीं? अरे क्या बात करती है, तेरे बारे में तो सोचते सोचते अपुन आधा हो गए। आधा और कुछ नहीं। और क्या यार, ये तू ज्यादा सीरियस हो गई। तू अपन को ये प्यार बार के टेंशन मत देना। हाँ हम तो तुमसे इतना भी नहीं कह सकते कि हम तुमसे प्यार करते हैं, दिन रात तुम्हारी सोच में पड़े रहते हैं। और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया ना तो जान दे देगी। अरे घिसा पीटा डायलॉग है यार, कोई किसी के लिए जान नहीं देता क्या? ठीक है देख लेना, एक दिन हम तुम्हारी बाहों में ही दम तोड़ देंगे। काइकू अपन के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी यार। देख तू जान दे देगी ना तो अपन भी इस दुनिया से निकल जाएगा क्या? देख अब सीधी बात नहीं करने का आया काइकू, अपने चुम्मन चाड़ी थोड़ा रोमांस के लिए आए यार, तू जान देने की बात कर रही यार। साहब ये कुछ कहना चाहता है? आओ नटवरलाल नाथ चेला और शोभराज के गुरु, क्यों भागने की कोई नई तरकीब सोच ली क्या? अगर आपके जगह कोई पत्थर भी होता तो हमारी बात समझता, हमारी सच्चाई जानता, मगर आप वही मुर्गी की टांग अलापे जा रहे हैं कि हम किसान हैं, किसान हैं। अरे भाई हम किसान नहीं हैं। क्या सबूत है तेरे पास कि तू किशनलाल नहीं है? भाई आप हमें सबूत देने का मौका ही कहां दे रहे हैं, ना हमारा संदेश बाहर जाने देते हैं, ना हमारी चिट्ठी। हमारी पहचान ले लीजिए, इन उंगलियों के निशान ले लीजिए साहब, तब आपको पता चलेगा कि हम किशनलाल नहीं है। तू किशनलाल नहीं है? अरे हम वही तो कह रहे हैं। तू हर जेल से जेलर को उल्लू बना के नहीं भागा? अरे नहीं 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 साहब। मान गए किशनलाल भाई, तू एक्टर तो वाकई कमाल का है, लेकिन प्यारे मैं भी दिलीप कुमार से कम नहीं हूं। और एक बात समझ ले कि ये कागर तो क्या, पर तेरे मगज का सोच भी इस जेल की चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मारो नाम दिलदार सिंह राठौड़ 6 नहीं जा हड़ाने। अब क्या है स्वामी? वाल कट वो देखता है उधर। रिवर्स में ले, रिवर्स में ले, रिवर्स में ले। अरे रोक रे कुत्रे, रोक रोक रोक। ये तो एकदम गीता है रे। ये गीता किधर थी तू? कहाँ गई थी, किधर थी यार? मगर हम तो कांता हैं। ओ आप लोग कौन हैं? तुम्हारे अपने ही लोग हैं कांता। कब आई तू? अच्छा अरे परसों ही तो। ओ अरे दिन भर ढूंढते रहते हैं अपने राम जी को, कोई बताता ही नहीं है। ओहो राम गुलाम, अरे स्वामी ये तो अपना रामू है। रामू? रामू जानते आप उनको? अरे पूरा बंबई को जानता मैं। तू चल गीता चल। जय भोले बाबा, धन्यो गंगा मैया। चल गीता चल। अयो स्वामी ये किसको लाया तू? अम्मा ये मेरा नया वाला गीता, इसको चक्का चक तैयार कर। अरे चलो जी चलो चलो। मगर ये हमको आप लोग क्या कर रहे हैं जी? अयो यो यो वो हम तुमको नहला के धुला के सुंदर बनाता जी। मगर हम तो सवेरे ही नहा लिए थे। तुम समझता क्यों नहीं जी, आज तुम्हारा मिलन का रात है। सच? आज आएंगे वो? हे गंगा मैया। Thank you.
छोड़िए ना, ये क्या करते हैं? कोई देख लेगा। क्या चीज है रे? क्या चेहरा तेरा, हाथ लगाते ही मेरा भेज गर्म हो गया। अरे रे, किधर जाती, बैठ ना। ये क्या करते हैं जी? हाथ छोड़िए हमारा, अपने हद में रहिए आप। क्या बात करता, हाथ तो हद से बिल्कुल गुजर जाना है मेरे को। अरे आप तो एकदम 420 है। सीधे सीधे बताइए, हमारे राम जी कहाँ है? कौन, तेरा राम गुलाम? और आज से तेरा राम गुलाम मैं ही हूँ। समीज से बात कीजिए, परनाम को गाली देना भी आता है। देन देन हाँ? गाली तेरे मुंह से कितना मीठा लगेगा, देन तू देन। क्या हो गया तेरे को, क्यों क्यों डरती है, क्यों डरती है? अरे अपन किया क्या कुछ तेरे को? देख देखे, अपन चाहे ना तो किसी को भी उठा ले, किसी का भी इज्जत बना डाले, लेकिन तेरे को कुछ किया? कैसा जेंटलमैन का माफिक लेकर आया तेरे को? देख क्या नहीं है मेरे पास, गाड़ी बंगला पैसा पावर सब है, खाली इधर का जगह खाली है मेरा। मेरा गीता बन जा, मेरा पेज ठंडा कर दे, अपना का जिंदगी तेरा राम गुलाम बन के रहेगा। अरे नहीं, हे गंगा मैया, ये कौन मुसीबत में डाल दिया हमको? वहाँ गांव में कलमुहा मक्खनलाल और यहाँ ही नंगा स्वामी। देख अभी तू ज्यादा देर मत कर, वरना अपन पागल हो जाएगा। ठहरो जी ठहरो। क्यों? हमारे राम जी तो कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। तो क्या करता था वो? बहुत प्यार से बात करते थे। हाँ तो अपन भी करेगा ना? अरे आप नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते, मेरे को बोल, मैं करके दिखाएगा। अच्छा, अपना टांग से हाथ निकाल कर कान पकड़ सकते हैं आप? टांग से हाथ निकाल कर कान पकड़। नहीं कर सकते ना, हमारे राम जी ऐसा करके पूरे गांव में घूमते रहते थे। अच्छा हाँ। अब देख पूरा बंबई को मुर्गा बनाता हूँ, देख तो आज टांग से हाथ कान किया, ये देख मेरे को बहुत मजा आता। क्या करते रहे? हमारे राम जी हमको ऐसे ही पकड़ के दिखाते थे, अभी आप भी पकड़ के दिखाओ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा मन का खुला है ना। आजा आजा कबड्डी 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 कबड्डी। अरे अम्मा अम्मा, ये कहाँ? अरे दिक्की का है नहीं। अरे मुन्ना, अरे तू तो वही तेरा रामपुर वाली। हाँ। अरे वाह, क्या जच रही है रे, क्या लगन हो गया तेरा राम गुलाम के साथ? अरे नहीं रे मुन्ना, हमको तो बहुत धोखा में डाल दिया एक बदमाश 420 ने। बराबर, अपुन बोला था ना, देख अभी भी टेम है, टिकट कटा और चली जा जिला रामपुर। अरे मुन्ना तुम समझते काहे नहीं, कैसे जा सकते हैं हम? काई को टिकट का पैसा नहीं है क्या? वो बात नहीं है मुन्ना, बिना राम जी से मिले हम। फिर वही बात, तेरे पास ना उसका ठीक ठीक पता है और ना ठिकाना और ना ही उसका फोटो, कैसे पहुँचेगी तू उसके पास? कैसे भी पहुँचेंगे तो हम जरूर, और नहीं मिले ना तो देख लेना जान दे देंगे हम। ए अपुन काय को देखेगा वो सब बात, तेरे को जो करना है कर, अपुन तो कल टी क्या। लेकिन रात को तू जाएगी किधर? कहीं भी, तुझे क्या? समझे समझे, चल आज रात अपने उस्ताद के बंगले पे निकाल ले, कल सुबह जो करना है वो कर लेना। चल ना अभी, चल आजा। ये है अपुन का ताजमहल। यहाँ रहता है तू? ये तो एकदम हमारे जमींदार के बंगले जैसा है। अरे ये तेरे जमींदार साहब का बंगला नहीं, फिल्म दामिनी में सनी देवल के घर जैसा है। क्या देवल जी? ए आहिस्ता बोल, अगर सनी ने सुन लिया ना थोबड़े की चपाती बना देगा। चल आजा। मुन्ना घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ इतना काठ कबाड़ काहे है? ए किसको काठ कबाड़ बोली तू? ये कुर्सी, ये कुर्सी वही कुर्सी है जिस पर राजकुमार बैठा था फिल्म सौदागर में। अच्छा, और ये आईना, ये आईना देख हाँ। इस पर अमिताभ बच्चन ने पट्टी लगाई थी फिल्म अमर अकबर एंथनी में। ओहो। ये बोंगो कोंगो वो उस्ताद लाया था इंग्लिश पिक्चर से, ये देख इधर भी है। तू यहाँ सोता है मुन्ना? अरे नहीं, इधर तो उस्ताद सोता है,
अपुन का उड़न खटाला तो इधर बाहर है, इधर है अपुन का उड़न खटाला। अरे वाह मुन्ना, हम कहाँ सोएंगे? तुम? हाँ इधर, इधर खूब ठंडी हवा लगेगी। मगर ये तो, हाँ एक मिनट मुन्ना दिखा तो, ये यहाँ कैसे आया? अपुन को क्या मालूम, दिया होगा उस्ताद को किसी ने। राम जी क्या रे बड़ू, कितना माल है तेरे खीसे में? हाँ अरे बाबा, एक बार कह दिया ना तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा, दिमाग नहीं चाट अब जा। बच गया तू, नहीं तो आ तो तेरी चट्टी उतार लेता मैं। चल डाल, ये रहे तीन रानी। अरे तीन नहीं, ये देखो पांच रानिया। पांच रानिया किधर की? पांच देशों की पांच रानिया एक राजा की तलाश में है। कोई माई कराल जो स्वयंवर में धनुष तोड़ के रानियों का हाथ पकड़ने की ताकत रखता हो? यार नाटक बनिया, आइटम कौन है? अरे आइटम नहीं, छकड़िया लोग हैं। हम और तोरी अकलौती भाभी मिसेस भैया कुमार ने पसंद किया है तोरी हिफाजत, तोरी शादी के लिए। शादी हमारी? काहे को शादी में? काहे काहे के लिए, बस पसंद किया है। आज से तोरा सरकारी ससुराल जाना बंद और असली ससुराल जाना सिर्फ। रेखा की आंखों को देखा, देखी श्री देवी की चाल, मस्ती मीनाक्षी की देखी, देखे रवीना के गाल, मुस्कान देखी है माधुरी की, देखे है टिंपल के बाल। ना मिली कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए, कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए। लाओ कोई परी कहीं से, लाओ कोई परी कहीं से जिस पे इसका दिल आ जाए। ना मिली कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए। काले काले लट घुंघराले, आंखें तिरछी तिरछी, तीखी तीखी लगती है ये कोल्हापुर की मिर्ची। काले काले लट घुंघराले, आंखें तिरछी तिरछी, तीखी तीखी लगती है ये कोल्हापुर की मिर्ची। कहते पोरे से पहला जवाब पोरी, कहते कोरे से पहला जवाब पोरी, यह चंदा तो यह है चकोरी, कहीं होगी नहीं ऐसी जोड़ी। यह चंदा तो यह है चकोरी, कहीं होगी नहीं ऐसी जोड़ी। आके जल्दी से बांध ले प्रीत डोरी, कहते कोरे से पहला जवाब पोरी। सुंदरता की देवी सुने ना इसका नाम है, हंस के सब करेगी जो तेरे घर में काम है, मीठे सुर में गाएगी तेरा दिल बहलाएगी, खाना रोज पकाएगी तेरे पाँव दबाएगी। सुंदरता की देवी सुने ना इसका नाम है, हंस के सब करेगी जो तेरे घर में काम है। Thank you.
शहर की हूँ मैं इस जमाने की, लोगो मेरा ये जमाना है, जादू जका के अदाओं से सबके दिलों को चुरा। दुनिया से लगती है हूर के जैसी, सच कहता हूँ धरती पर होगी ना लड़की ऐसी, क्या आंखें हैं क्या मुखड़ा है, कम सिन है चांद का टुकड़ा है, लूटी है मेरी नींदें इसने मेरा चैन चुराया है। हाँ यही तो है वो हीरोइन जिस पे मेरा दिल आया है, यही तो है वो हीरोइन जिस पे मेरा दिल आया है। By God यार, by God यार, by God यार, क्या आइटम है तू, किधर से आए रे तू? बहुत देखा ईना मीना डीका, पर तेरे सामने सब फीका फीका। हाँ भी तो ऐसे ही। मगर ये आप कब पी रहे जी? ये दवा? तेरे को देख के जो पारा चढ़ गया ना ऊपर, उसको उतारने के लिए क्या? मालूम है हमको, नशा तो आपको फट चढ़ जाता है, घर चली ना फौरन उतार देंगे। ए, क्या बोल रही ली तू? क्या बोल रही बा? घर पर गया भाड़ में, इधर ही मस्ती कर दी क्या? अरे खबरदार, जो इधर कुछ किया तो अपन ड्यूटी पे है। अरे यार तेरे को भी अभी जाने का था क्या? क्या बात यार, क्या पोरगी बटाए रे किशन? भाई चुप बैठना भाई, क्या बोल रहा यार? ए, चिपकने का नहीं, अलग अलग पिक्चर नहीं चालू करने का क्या? ये पब्लिक का जगह है, लाइसेंस निकाल लाइसेंस। अरे बाप, अभी तक तो शादी नहीं किया अपने, क्या तो इधर क्या कर रहे ला? प्रोग्राम बना रहे ला, शादी का प्रोग्राम बना रहे ला। तू नहीं सुधरेगा, तेरा तो चलन बनाना ही पड़ेगा। अरे यार तू चलन वलान छोड़ना यार, काय को पकड़े ला अपन को। अरे ये क्या है ये भैया दादा? ए, देख अपन ड्यूटी पे, अपन हाथ में लगा था ड्यूटी पे, उधर रख उधर रख उधर रख। हाँ ड्यूटी। अच्छा दे आना क्या? कल फिर आना, अपन का ड्यूटी इधर ही छे, आना। ओटे की प्यास हूँ तेरी तलाश हूँ जन जिगर। अरे आप है कौन जी जो हमारे घर में हबड़ा मेल की तरह घुसी चली आ रही है? तोरा प्यार से बोलो तुम कैसा नौकरानी है? नौकरानी? अरे आप किसके घर में घुसी चली आ रही है? अपने घर में। अपने घर में? ऑफ कोर्स, ये बया कुमार का घर नहीं। हाँ है तो? तो वो हमारा हस्बैंड। क्या क्या क्या? हमारा पति देव। क्या कहा पति देव? ऑफ कोर्स। अरे आप कोर्स की बच्चे? लुक माय हस्बैंड, तुम्हारा होते हुए हमारा घर के अंदर हमारा कितना इंसल्ट। तुम पहला काय को नहीं बोला कि तुम्हारा घर के अंदर ऐसा चुड़ैल रहता है? चुड़ैल? हाँ? मैं बताती हूँ तुझे चुड़ैल क्या होती है। निकल यहाँ से कलमुही। नो मारा मारियो। कलमुही? इधर। केमो निर्लज्ज होय रे बाबा। आये ये दूसरा जी। सातर बनेगी। अरे घर कहाँ जा रही है कलमुही? बाहर जाने का रास्ता वो है। इधर झाड़ू से उतारते हमसे भी बोल। अरे रुक, तेरी तो मैं चटनी। भैया दादा। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, आप काहे हर रोज ही नया नया रूप धर के हमसे हर बार ही पाप करवाते हैं? अब तो ऐसा ही धोखा में पड़ जाते हैं। अब क्या करें,
इतने बड़े एक्टर हैं मगर दुनिया में कोनो कदर नहीं है। फिल्म स्टूडियो में जाते हैं तो चौकीदार बाहर रोक के हमरा रोज पानी उतार देता है, और नया नया गेटअप करके जब घर आते हैं तो बीवी झाड़ू मार के मेकअप उतार देती है। अब घर चलिए ना। दुखता है मगर ये औरत का रूप धरने का क्या जरूरत पड़ गया? आहिस्ते आहिस्ते, कोनो शौक नहीं हमको औरत का रूप धारण करे के। ये सब तोरे लाडले किशन के लफड़ा में हुआ है। हाय दैया, का हुआ हमरे किशनवा को? अरे कुछ हो नहीं, वैसे समझो आज उसकी तकदीर बन गई। हम लोग कितना दिन से ट्राई मार रहे थे कि उसकी शादी हो जाए, मगर कोई छोकड़िया ही पसंद नहीं आती थी उसको, मगर आज बहुत सही छोकड़िया मिली है। मिली कहाँ? अरे अपने अड्डा पे और कहाँ। अरे गाल लड़की है, ऐसे लगा जैसे आकाश से कोई अप्सरा उतर कर आ रही है। अरे किशन तो देखकर एकदम पागल हो ही गवा। हम जिंदगी में पहली बार उसको इतना खुश देखा, दिल से खुश था आज वो। भगवान उसका भला करे, हम तो कुछ भी ना कर पाए उसका लिए, लेकिन अगर उसको सही जीवन साथी मिल जाए ना तो सही रास्ते पर चलने लगेगा। ये तो है, और आएगा सही रास्ते पर, और नहीं आएगा तो कौन मरोड़ेंगे साले के। ये रोज इसी तरह पीकर आते हैं क्या मुन्ना? अरे नहीं, रोज कहाँ, वो तो कभी कभार जुए में थोड़ा बहुत पैसा वैसा हाथ लग गया तो पी लेते हैं। हे गंगा मैया, ये जुआ खेलने लगे हैं क्या? लो अब रोज थोड़े ही खेलते हैं, वो तो कभी कभार दादागिरी गुंडागर्दी में थोड़ा बहुत माल वाल हाथ लग जाए तो खेल लेते हैं दिल बहलाने के लिए। दादागिरी गुंडागर्दी, ये तो क्या कह रहा है मुन्ना? अरे मुन्ना क्या कह रहा है, सारा मोहल्ला यही कह रहा है। और क्या क्या करते हैं ये तो कुछ नहीं करते बेचारे, मगर जब वो आ जाती है ना तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कौन आ जाती है रे? अरे वही टीना, मीना, रोजी, लक्ष्मी और न जाने कौन कौन। और फिर क्या होता है? मेरे को क्या मालूम, उस साल अपन को 20 की नोट पकड़ाता है, बोलता है जा पिक्चर देख के आ। हे भगवान, उठो उस्ताद, 9 बज गए। उठो ना। अरे मुन्ना सोने दे यार, क्या सपना देख रहा हूँ। दारू पीने का यही फायदा है, चढ़ते ही आदमी सपने देखने लग जाता है। नहीं रे मुन्ना, ये दारू का सपना नहीं, ये तो स्पेशल क्वालिटी का सपना है। लड़की थी रे भैया दादा के अड्डे पे, ऊपर से नीचे तक चकाचक दुल्हन की तरह, आंखें चिटक गई और बोली चल घर ले चल अपने। बस करो उस्ताद। क्यों? वो सपना नहीं था तो? सच्चाई थी सच्चाई, वो वहाँ खड़ी है। वहाँ खड़ी है? किधर? हाँ उधर। ओ, क्या उस्ताद, पैसे देना। कहे को? अरे ब्रूस ली पिक्चर लगी है, कुछ पूछूं उछा करा देखूं। हाँ तू अपनी पिक्चर चालू कर, मैं अपनी पिक्चर देख के आता हूँ, देना। चुप चुप चुप, ले सारे शो देख कर आना। चल 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 चल। मतलब मॉर्निंग मैटनी 6 बजे वाली और रात 12 बजे वाली भी? हाँ तो इसमें तो नहीं। अरे तेरी तो ये ले। ठीक है उस्ताद, तू बोलता है तो। अरे क्या करे ले बाप, आज से ये फिल्म विलम बंद। काय को बस हम बोलते हैं बंद, चलो। अरे अरे अपुन का प्रोग्राम। अरे लेकर अपुन घर पे बैठ के क्या करेगा यार? वही जो सब बच्चे करते हैं। अरे ये लो। ये क्या है? किताब है, बैठ के पढ़। हम नहीं पढ़ने वाले, हमको तो बस पिक्चर देखना है। ये देखो भैया, ज्यादा बकबक किए ना तो हमारे साथ धोबिया पाट देंगे कि तुम्हारी फूफू और लीली सब निकल जाएगी। अरे हमारी बिल्ली और हमी से में आओ, जरा हाथ तो लगा के देख। अच्छा हाँ। क्या हुआ? अरे मुन्ना ऐसी कौन सी फिल्म में हुआ रे? सास भी कभी बहू थी। क्या लाया मुन्ना? खलास। ओ, आ, आ,
ए? ये क्या? दूध नहीं है घर में। तो अपन चाय किधर पीता है? अब यही पीना पड़ेगा, समझे? समझ गया। समझ गया। क्या है? चलना किधर? बाहर चलते। किधर? होटल बोटल में यार, जिधर अपन और तुम, नो डिस्टर्बेंस। चल। हमको क्या अपनी टीना और मीना समझ रखे हैं? शर्म नहीं आती है आपको? क्या से क्या हो गए हैं आप? अबुन, क्या बोल रही तू? ठीक बोल रहे हैं हम। वहाँ रामपुर में तो भोला भाला बन के हमारा मन मोह लिए, और यहाँ ये सब। रामपुर, भोला भाला, बंद कीजिए ये खेला सब, और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सह चुके हैं गाँव में हम। ओ, कुछ मिस्टेक हो रहा तेरे को? अबुन को तूने किधर देखा? कभी मिले ही नहीं, तो फिर आपको ये किसने दिया? बिल्कुल अपन के जैसा थोबड़ा तेरा। क्या सचमुच कुदरत का करिश्मा है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? बॉम्बे, मुंबई। मैं और अपन तो अकेले पैदा हुआ था रे। पैदा तो हम भी अकेले ही हुए थे भाई, पहाड़ों में। गांव है बिलासपुर वहीं। वेरी गुड। क्या हुआ? वो पुलिस का सायरन, ये जेल की वर्दी। अरे दोस्त लोग है भड़ू, अपन के दोस्त लोग है। क्या दोस्त लोग? वो नाटक कर रहे थे हम लोग। क्या चोर पुलिस खेलते ना बचपन में, पीछे पड़ गए। अच्छा अच्छा। कांता कांता, अब बोलिए, अब काहे नहीं बोलते? याद आ गया सब कुछ? अरे यार तुम क्या बोले, हमरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझा देता हूँ भैया। दादा आकर बैठो तो समझा देता हूँ सब। का अब देख, अरे देख, ये कौन? अपुन। ये वो। अपुन अंदर, वो बाहर। ओके, अब वो बाहर वाले को अपुन ने अंदर कर दिया। अपुन जो अंदर था वो बाहर हो गया, समझा? अभी अपुन बाहर है, वो अंदर है। बाहर के लोग समझ रहे ले कि अपुन अंदर है, वो बाहर है। समझ रहे ना? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम तो समझ रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझे। क्या नहीं समझा? मतलब ही कि ये तोरी ईना मीना डीका जैसी छोकड़िया नहीं है, ये गांव की छोकड़िया है। पहले तो दिल देती नहीं है, और अगर देती है तो साथ में जान भी दे देती है। अगर किसी दिन उसको असलियत का पता चला ना, तो अपनी जान दे देगी या तोरी जान ले लेगी। असली बात मालूम इजने पड़ेगा, वो अंदर है। कभी तो बाहर आएगा, तब का होगा। इसलिए कहते हैं भैया मोरे, भूल जाओ उसको। भूल जाओ? पहली बार किसी से प्यार किया, भूल जाओ उसको। अरे बॉडी से सीधा दिल में आग उतर गई है। दिल में, दिल में आग दूर से अच्छी लगती है भैया, जब करीब जाके खेलोगे ना तो ये सब जल जाएगा। अरे वो दूसरे की अमानत है। ठीक है, दूसरे की अमानत है, छोड़ देंगे, मगर वो जाना नहीं चाहती। काहे नहीं जाना चाहती? क्योंकि वो अपुन को राम गुलाम समझती। मगर तुम अपने आप से पूछो, तुम राम गुलाम हो? नहीं, किशन हो तुम। तो इसका मतलब मैं अंदर जाऊं? यही तो प्रॉब्लम है। मगर हम भी बहुत बड़ा नाटकबाज हैं, अगर हम उसको यहां से नहीं भगा दिया तो तोरी कसम हम अपनी दाढ़ी मुंडाई देंगे। दाढ़ी? हाँ, दा अलक निरंजन, अलक निरंजन, हरदुख भंजन, आप कांजन, दांत कमंजन, दांत कमंजन, कान का कंजन, दुख की हर दवा मुट्ठी में भरकर हम तेरे द्वार पर आए हैं। आ जा बेटी, जल्दी आ। साधु साधना छोड़कर सीधे तेरे पास आया है। आइए आइए महाराज, आइए। अवश्य आइए। वाह, आइए आइए। सुंदर, अति सुंदर। वाह, बैठिए ना महाराज, बैठिए बैठिए, बिराजिए। पहले आंख मिलाकर अपना हाथ दिखा पुत्री, हम तेरी हथेली की खिड़की से झांक कर तेरे भविष्य का दृश्य देखना चाहते हैं। हाँ? तो देखिए महाराज, और जल्दी से बताइए हमारे भविष्य में क्या लिखा है। वाह, हाथ तो बहुत अच्छा है। हाँ? मगर हाल अच्छा नहीं है। हाँ? अर्थात जो तेरा है वो तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है वो तेरा नहीं है। इसलिए पूरब की ओर जा, वहीं देख जहाँ खोया है। लेकिन महाराज, हमने तो जो खोया था वो पा लिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे नहीं है, मगर उसे है। वो जिसे हम नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख रहा है। नहीं,
तुझे जाना ही पड़ेगा पुत्री। ये देख तेरे हाथ में राहु की रेखा है, लौट जा जहाँ से आई है। नहीं, हमने कसम खा रखी है महाराज, अब हम अकेले वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी तो पछताएगी, तुम्हारे मिलन में ही जुदाई का गिरह वर्तमान है, और गिरहों का कमीनापन तो तुम अच्छी तरह जानती हो, सर्वनाश हो जाएगा उसका जैसे तुम चाहती हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, उनके लिए तो हम अपना जान भी दे सकते हैं। ठीक है, हम आज ही गांव वापस लौट जाएंगे, मगर उन पर हम आज नहीं आने देंगे। क्या बात है दीदी, कहाँ लौट जाओगी? ये राहु और केतु के बीच में शनि कहाँ से घुसाया? अरे अपुन के घर में खड़ा हो कि अपुन को ही शनि बोल रहा है? ठहर, अभी तेरी खोपड़ी उड़ाता हूँ। हे गंगा मैया, ऐसा मत बोल तू मुन्ना, बहुत पहुँचे महाराज हैं ये। हम अभी बताते हैं, वो जिससे ये इतिहास की क्लास छोड़कर बोल राधा बोल देखने गया था कि नहीं। महाराज की जय हो, उस्ताद को मत बताइएगा। हम प्रसन्न हुए, अच्छे दोस्त बनाओगे तो फायदे में रहोगे। जाओ अपने उस्ताद से कहो हमने कमाल कर दिया है, चादर लाए थे उसको रुमाल कर दिया है। अरे भैया दादा। हाँ कांता। एकदम 420 है आप, क्या समझे थे? हमको उल्लू बनाकर यहाँ से भगा दीजिएगा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम अभी बताते हैं। तो किराए की है, आप जैसों को तो हम बहुत ठीक किए हैं गांव में। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्यों? हम पहले ही बहुत खा चुके हैं, किराए का है, दाढ़ी लेकर आना। किशन गारो किधर रहने का यार, तू किधर रहने का? अरे कुछ तकलीफ में तो बोलना, ये स्वामी तेरे लिए कुछ भी कर सकता। ये बार तो लंबा हाथ मारने का, एक ही हाथ में चला सब साफ करने का, लंदन और अमेरिका का बैंक उड़ाने का प्लान किया है। क्या पलट किधर घूम गया तू? एकदम खलास हो गया रे अपन, चलता है। अपने भेजे में कोई प्लान नहीं बैठने वाला है क्या? लगता है इसको भी किसी ने मुर्गा बनाया लगता है। किशन क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। किधर जा रहा है? घर जा रहा हूँ। घर? चलो हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं। क्यों? अपन घर पे कहाँ रुकने वाला है, अपन तो वो झूठे कहेंगे। अब तेरे को कैसे समझाऊं? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते किशन कि जी भर गया हमसे? अरे यार अपन को समझने का ट्राई कर। हाँ we
तेरे प्यार में यार पागल हो गया आज। पागल तो हम भी हैं आपके पीछे राम जी। तो फिर तेरे प्यार में पागल हो गए अपन राम जी। आज ना मत बोलना, ना मत बोलना रे, आज ना मत बोलना। अपन बहुत चाहते हैं रे तेरे को, अपन बहुत चाहते हैं तेरे को, ना मत बोलना। नहीं राम जी, ऐसा मत कीजिए, हमारी अग्नि परीक्षा मत लीजिए। अपन को कुछ नहीं सुनने का यार, अपन को तू चाहिए अभी। कितना बदल गए हैं आप, देखिए आपको हमारे प्यार की सौगंध। अरे बंद कर तेरे सौगंध के नाटक को, तेरा प्यार भी एक ढोंग है रे, ढोंग है। नहीं नहीं राम जी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, आप ही का मुंह देख के तो जीते हैं। अरे रहने दे रहने दे, तेरी राख पट्टी किसी और को देना क्या, वो देखे तेरे जैसे।
तैयार हैं हम। आप बस हमारे माथा में एक चुटकी सिंदूर डाल दीजिए और इस याक का साथ फेरा ले लीजिए। क्या बोल रही थी तू? अब कुछ बोलना नहीं है राम जी, हम सब सौंप चुके हैं आपको, सब आपका है। हम तो आप ही के वचन की रक्षा कर रहे थे। अब उनका वचन? हाँ, भरी पंचायत में आपने हमें ब्याह का वचन दिया था, लेकिन मक्खनलाल के पैसे वापस करने के बाद। मक्खनलाल? मगर अब कोई बात नहीं, सब दोष हम ही ओढ़ लेंगे। आपका हर खुशी के लिए हम सात जन्म लेंगे राम जी। आप बस बस हमारी मांग सजा दीजिए। आप अभी भी नाराज हैं हमसे? हम बहुत तकलीफ दिए ना आपको, बस एक बार भूल चूक माफ कीजिए, हम कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस कर यार, बस कर। मिस्टेक अपुन का है, बहुत तकलीफ दिया ना अपुन ने तेरे को। सॉरी यार, सॉरी। देख, अपुन तेरे से शादी करेगा, मंदिर में करेगा, अपने स्थान में करेगा। बाप चाहता है अपन तेरे को, अपने दिल से चाहता है रे। तो फिक्र मत कर। ये शहर जैसा है रे, इंसान क्या सोचता है क्या बन जाता है, देखना अपन भी किधर। फिर भी हाथ पांव चलाकर मेहनत से कमाई, सच्चाई की दो सूखी रोटी भली। छोड़ दूंगा गुड़िया, सब काले धंधे छोड़ दूंगा। सच? तेरी कसम। अरे हम तो भूल ही गए आपको अचार देना। अचार भी बनाई तू? हाँ आज ही बनाए, आलू का अचार है। ले ले जल्दी कर जा। जरा पांव हटाइए तो। काय को? जानो कूद कर। इसमें दोष लगता है। क्या लगता है? दोष लगता है। अरे तेरी, इसमें दोष नहीं लगता क्या तेरे? अरे छोड़िए। अरे कितना सुहाना, मस्ती में सारा जमाना। होठों की लाली चुरा ले मेरी जगनाए क्यों बहाना। तेरी है मेरी जवानी, दे देना कोई निशानी। जो चाहे बातें बना ले, ऐसे तो बनेगी कहानी। मैं बना जाने तमन्ना पल को तले आशिया। ना 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 मेरी जाने जाना, माने ना माने मेरा दिल दीवाना। ना 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 मेरी जाने जाना, माने ना माने मेरा दिल दीवाना। ना मेरी जाने जाना, माने ना माने मेरा दिल दीवाना। अरे फिर रुक गए, आइए ना। अरे यहाँ कहाँ लेके चली आ रही हो? हमारा फिल्म प्रोड्यूसर के साथ अपॉइंटमेंट है। प्रोड्यूसर गया चूल्हे में, कैसे प्रोड्यूसर चूल्हे में कैसे जाएगा? फिल्म आज हमारे जो जी में आए हम खरीदेंगे। कितना सुंदर है। आपका नाम सुंदर है? नहीं। अरे हम साड़ी का बारे में कह रहे हैं, तनिक दाम पूछिए ना। इसका दाम कितना है? 400। 400। ये नाटक बंद कीजिए नट सम्राट, हम अपने लिए नहीं कांता के लिए पूछ रहे हैं। अरे कांता इसका क्या करेगी? अरे इसका नहीं साड़ी का, अरे खुद तो किराए का कपड़ा पहनकर एक्टिंग करते रहते हैं, और शादी का जोड़ा भी किराए का लगेगा का? अरे भाग्यवान,
कांता को अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। अब उसकी और किशन की जोड़ी नहीं जम सकती। हाँ, काहे नहीं जम सकती? अरे का कमी है हमरे किशनवा में, और कांता भी ना उसको बहुत मानती है। अरे नहीं बाबा, देखो तुम जो समझ रही हो वो नहीं है, जो नहीं समझ रही हो वही है। ओए की गल कर रहे हो सरदार जी, तुसी तो बिल्कुल ओही हो जो मैं समझ रही सी। हां अरे मगर आप हैं कौन? हाय ओ रब्बा, मैं कौन हूं? ओए की हो गया है तैनू सरदार जी, अपनी स्वीटी नु नहीं पहचानदे? स्वीटी किते किते नहीं ढूंढिया मैंने तनु, लंदन विच, कनाडा विच, पाकिस्तान विच, मैंनू की पता था तू मुझे इत्थे मिलेगा है? अरे क्या हो रहा है, कौन है ये? वही तो हम खुद पूछ रहे हैं, आप कौन हैं जी? गुस्सा ना कर, नाराज ना हो, अभी है ना मैं तनु कभी नहीं पिटांगी हैं। चल चल कार चल चल। अरे किधर चल रही आप? अरे हाँ, आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? अजी कार ले जा रही हूँ। एक गल दसो सरदार जी, मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो तूने जाके दूसरी औरत कर लेती? दूसरी औरत? ए मोटी तेरी अकल तो ठिकाने है? ओए अकल ते मैं तेरे ठिकाने लगा दूंगी। हाँ मैं ऐवे ही गल नहीं कर रही। हाँ जी, ओ ए देखो फोटो है, ए देखो है ना मेरे साथ सरदार जी की फोटो है, देखो देखो। अरे 3 साल पहले लंदन में हमारी मैरिज हुई थी। हाँ ये तो हम हैं। सरदार जी तुसी एनु कुछ कहंदे क्यों नहीं है? अरे पूछो पूछो इसको कि इसके पास कोई फोटो छोटो है, कोई प्रूफ? हाँ, तुम्हारे पास हमारा तुम्हारा ऐसा कोई फोटो है? फोटो तो हम बनाते हैं तुम्हारा। खबरदार तुम्हें सरदार नु हाथ जा चटनी बना देंगे। अरे आज तो कमाल हुई गवा, हम जिंदगी में हजारों गेटअप किया मगर ऐसा कभी नहीं। वो बहन जी तो ऐसे हमरे पीछे हाथ धोए के पड़ गई कि एक मिनट हमको भी लगा कि हम उसका कसम हूँ अपनी मेहरारू का नहीं हूँ। भाई कुछ भी बोल भैया दादा, आजकल आपका गेटअप बहुत फेल हो रहा है क्या? अरे अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। काय वो दिन दाढ़ी धोखा देगी और हाथ में आएगी, नहीं तो तोरी कसम आज जो है ना कांता रामपुर के प्लेटफॉर्म पे उतर चुकी होती। मगर तुम चिंता नहीं करो, हम एक नया गेटअप सोचा हूँ साहब, इंस्पेक्टर घोड़ पड़े का। आज उसका चालान करके अगर ट्रेन में नहीं बिठा दिया तो हम एक्टर नहीं। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया दादा, अपन ने डिसाइड कर लिया कि कांता अब अपन के पास ही रहेगी। यहीं आए तुम्हारे पास और उसका वो आ गया था? अरे वो अपन का 7 साल काटने के बाद ही आएगा, तब तक अपन कांता और मैं ये गलत बात। देख किशन तोरे मन में फिर शैतान जाग रहा है, ये बहुत गलत बात है। किशन कांता के बगैर नहीं रह सकता। बस अन्ना, हांगकांग से हैरी बोलता है। हैरी अन्ना, गुड इवनिंग। कैसे याद किया अन्ना? बहुत लेट हो रहे स्वामी, तुम्हारा माल अभी तक नहीं पहुंचा। माल रेडी है, पेमेंट किधर है अन्ना? पेमेंट? हाँ। क्या डबल पेमेंट मांगते हैं स्वामी? अरे पहला पेमेंट तो भेजो अन्ना, बोलो कौन से फ्लाइट से बैठता? स्वामी हमको मालूम तुम एक्टिंग अच्छा करता। तुम और तुम्हारा किशन मिलके हमको फूल बना दे क्या? किशन किधर से बीच में आया भाई? वही तुम्हारा किशन। अभी जस्ट डिले मत करो स्वामी, माल जल्दी डिस्पैच करो, समझे? ओके अन्ना, लगता है ये किशन गजब। किशन हे गंगा मैया, आपका ये गाड़ी तो शैतान का सवारी से कम नहीं। अरे तो कुछ भी नहीं रे, अब तो प्लेन में बैठना फिर देखना कितना मजा आता है। हवाई जहाज में? हवाई जहाज? अरे नहीं बाबा नहीं, हम तो अपना रेलगाड़ी में ही जाएंगे रामपुर। अरे रामपुर से पहले जाएंगे सिंगापुर। ये देख टिकट ला लाऊं। हां तो फिर घर चलिए ना, हम अपना सामान तो बांध ले। अरे आप भूल जा रे, ऊपर पहुँच के सब नए नए दिला दूंगा। सब कुछ हम अपना चाचा चाची के लिए सौगात लाएंगे और पार्वती के लिए भी
और रघु के लिए भी। अरे तू कहे तो अक्का सिंगापुर को खरीद के तेरा रामपुर में पार्सल कर देगा क्या? तू जानती नहीं अपन को क्या हाथ मारा ला अपन ने। अपुन तो तेरे को पहले ही बोला था ये काम तेरे स्टाइल का नहीं है, लेकिन तू साला अपना बात माना ही नहीं। ये तो साला अपुन का गीता है रे। मगर ये इसके पास तो साला डुप्लीकेट का डुप्लीकेट ही रहेगा। अरे ये तो किशन अपुन का वास्ते लाया रे। मैं क्या बोला था तेरे को, किशन मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये तेरी गीता नहीं है रंगा स्वामी, ये अपन की कांता है। शाना बन शाना, हाथ छोड़ इसका। कैसे छोड़ो रे, इसके मुट्ठी में तुम्हारा कलेजा बंद, कैसे छोड़ू? हाथ छोड़ इसका, नहीं तो क्या? मैं तो बर्बाद कर दूंगा साले। ए तांबे। हाँ स्वामी। सुना अन्ना क्या बोला, ये लड़के का वास्ते मेरे को बर्बाद करेगा क्या? हाँ साले बोला है। चला दूंगा साले। कोई आगे मत आना रे, ये पानी से कट के मरने वाला है, तलवार मत निकालना। नकली राम गुलाम बन के मेरे साथ दुश्मनी करता ना, लड़के के वास्ते कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। ये क्या कह रही है सब? क्या बोलता है हम बेलगाम जेल में जाके अपना असली राम गुलाम से पूछम क्या बोलता वो? बेलगाम? हमारे राम? सॉरी। अरे काय को बुमा बम करता रे, अभी तो पूरी दुनिया को आग लगाने निकला था ना, अब खुद को घासलेट लग गया क्या? स्वामी वाट लगा दूंगा तेरे को, बोलता हूँ चुप। मेरे बोलने से क्या होने वाला है रे? बहुत गंदा काम किया छे, बहुत गंदा। ये लड़के के साथ धोखा किया, प्यार का नाटक किया है बच्चे के साथ तू। प्यार का नाटक नहीं, असली प्यार है। और उसी प्यार की कसम अगर तूने कुछ बोला तो जला दूंगा साले। कुछ नहीं बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेगा आज से। आज से तुम दोनों अंदर अंदर बोलते रहना, हम कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा में चल रहे, हम कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमारे राम जी बेलगांव जेल में? वो झूठ बोल रहा था, फेंक रहा था, उसकी बात का भरोसा। हाँ क्या? अरे भूल जाना राम जी को, भूल जाना, अपन है ना, अपन है ना। तुम हमारे राम जी नहीं हो? अरे तो क्या हुआ रे, तुम हमारे राम जी नहीं हो? तुम हमसे धोखा करते रहे, तुमने हमसे झूठ बोला। अरे नहीं, धोखा किधर, अपन ने तो तेरे से प्यार किया यार, धोखा कहाँ किया? अपन ने धोखा नहीं किया, प्यार किया यार। मेरी बात तो सुन, कांता। हमको छोड़ दो, हमको हाथ मत लगाओ। अरे हमारे पास बताना, तुम तो पापी हो। हम अपने राम जी के पास जाएंगे, ना जाने किस हालत में होंगे हमारे राम जी। गंगा मैया हमसे गलती हो गई। मैं तेरे से प्यार करता हूं, कांता। धोखा दे दिया, तुम भैरूपिया हो। कांता मैं तेरे से प्यार करता हूं, कांता। नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूं। तुम हमको छोड़ दो। चुप बैठ, चुप बैठ। तू किधर भी नहीं जाएगी। अगर आखिर दुनिया भी एक तरफ हो जाएगा ना, फिर भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी है बस। बचाओ! अरे कोई है?
भगवान के लिए हमको जाने दो, हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, पांव पड़ते हैं, जाने दो हमको। देखो अत्याचार मत करो, पाप लगेगा तुमको, नरक में जाओगे तुम। पहले देख, अगर तू नहीं पिए ना तो अपन पानी को हाथ नहीं लगाएगा क्या? पी ले, पी ना, अरे पी ले, खाली पकड़ कर भिंडी। काय को गुस्सा करती है, खून चलाता है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अब उनका दिल और दिमाग अब उनके काबू में है ही नहीं। बहुत प्यार करता है तेरे से अपन, बहुत प्यार करता है रे तेरे से अपन, समझ मेरी बात को। अपन तेरे लिए कुछ भी करने को रेडी है, सब लफड़ा छोड़ के तेरे गांव में जाकर रहने को भी रेडी है, समझ ले मेरी बात, भूल जा उसको, प्लीज भूल जा। तू मार दे हमको, टुकड़ा टुकड़ा कर दे हमारा देह का, खत्म कर दे हमको, मगर जब तक गंगा मैया है इस धरती पर, हमारी जबान पर तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। हमारी जवान पर तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। देख लेगा अपन भी तेरे को, देख लेगा। किसान, किसान, ए किसान, ए किसान, किसान, ए किसान, ए भैया, कांता कहाँ है? कांता कहाँ है? मालूम नहीं। देखो ये जो हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। देखो भैया, अपन का अच्छा बुरा अपन अच्छी तरह से समझता क्या? इसके बीच में ना ही पड़ो तो ठीक है। देखो हमको मालूम है तू दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा भटक गया है बस। देखो भाषणबाजी ज्यादा मेरे को सुनने का नहीं है। तू कुछ पागल हो गया है क्या? समझता काहे नहीं है? कल अगर कांता को कुछ हो ही गया तो क्या लगती हो तुम्हारी? अरे वो हमारी कुछ नहीं लगती, मगर तू तो हमारा लगता है ना। देख हम तेरे हाथों कोई अनर्थ नहीं होने देंगे। अनर्थ हो चुका है अब भैया। दादा बहुत समझाने की कोशिश की मगर उसके खोपड़ी में बात घुसती नहीं, मैं क्या करूं? अरे तू किसी की मर्जी के खिलाफ कैसे? किसी की मर्जी और अपन की मर्जी मर्जी नहीं है ना। तेरी मर्जी तो सबसे पहले है, तू हमसे कहे। अरे हम कांता से बढ़िया फर्स्ट क्लास एक से एक अप्सरा जैसी लड़की लाके देंगे तेरे को शादी के लिए। देखो भैया दादा, ना अपन 5 साल का मुन्ना है और ना कांता प्लास्टिक की गुड़िया। अब डायलॉग बाजी रहने दो, अपन का फैसला एकदम पक्का है। अरे कैसे फैसला पक्का है? खुद ही सोच लिया जैसे हमला को भेली हुई नहीं है। हम कहते सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अरे आप कौन होते बीच में बोलने वाला? हम कौन होते हैं? तू हमसे पूछ रहा है कि हम कौन होते हैं? अरे आज तू यहाँ खड़ा है तो हमारी वजह से। वो औरत जिसको तू भाभी कहता है उसने परसों आंखों में नींद काटी है, नहीं तो मर गया होता तू। अतना सा था तू, गटर में बदहाल बीमार पड़ा था, उठा के लाया, तेरे को सीने से लगाया, औलाद की तरह पाला, और तू हमसे पूछता है कि हम कौन होता हूं? शाबाश बेटा, शाबाश, यही उम्मीद थी तेरे से है? हाँ हाँ, बहुत एहसान किया है। क्या करूं मैं, गला काट के दे दूं क्या? जो भी तुमने किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, अब उनके लिए नहीं किया। तुम्हारी को बेटी की खुशी चाहिए थी, तुम्हारे को बेटे का सुख चाहिए था, मैंने गटर से नहीं बोला ए बाप। अरे तो तू सुख देगा क्या हमको? अरे तू क्या सुख देगा? हम लोग तेरे प्यार में अंधे थे, इसीलिए तेरी हर बुराई से नजर फेर के तेरे को चाहते थे, और आज भी तेरी भलाई के लिए तेरे सामने मिन्नत कर रहे हैं।
मगर किशन तू जो कर रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कांता राम गुलाम की है, इस सच्चाई का सामना तू कैसे करेगा? कांता अपुन की है, अगर इसके बीच में घुसने की कोशिश की तो खलास कर डालूंगा। कपड़े बदल, नौकरी मिल गई अपुन को, अब इधर रहने की कोई जरूरत नहीं, बेंगलोर में जाकर ट्रक चलाएंगे। कैसा लगा आइडिया? हाँ क्या रे ऐसे क्या देख रहे? मैं है ना तेरे साथ, अपुन नई दुनिया बसाएंगे। क्या क्या सोच रहे? आइडिया अच्छा कि नहीं? चल जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है यार। से उठेगी तो तेरी डोली या तो अर्थी, समझी ना तू? और मैंने क्या बोला रे तेरे को? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? मैंने क्या बोला रे तेरे को? कभी कुछ बुरा बोला? एक ऐसी गलती किया ना, तेरे से प्यार किया वही लफड़ा किया ना? झूठ बोलते हो तुम। तुम जैसा आदमी ना किसी को प्यार कर सकता है, ना किसी का प्यार पा सकता है। धोखा फरेब मक्कारी बस यही कर सकते हो तुम। ऐसा मत बोल कांता, अपन एकदम सच्चा प्यार करता है तेरे से, एकदम प्योर है अपना प्यार। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस अब हमको जाने दो। तुम जाने दो। नहीं जाने दो तेरे को। नहीं जाने दो तेरे को। जाने दो तेरे को। राम जी बहुत अत्याचार कर चुके हो तुम किशन, हट जा हमारे रास्ते से, छोड़ दो हमारी कांता को। कांता अपुन की है राम गुलाम, और अगर तू बीच में आने की कोशिश किया तो अपुन तेरे को खलास कर डालेंगे। क्या? नहीं, नहीं। Oh, my God.
खबरदार, जो आगे आए तो तुम्हारा हाथ लगने से पहले इसी आग में कूद कर जान देंगे। नहीं कांता, ऐसा मत बोल कांता, बहुत प्यार करता अपन तेरे से, नहीं रह सकता अपन तेरे बिना। जान तो ले सकते हो हमारी, कांता कांता अब और नहीं रह जा सकता, ऊपर शैतान पकड़ ले कांता। नहीं राम जी, नहीं, हमारी कसम है कांता, हमारी कसम है। क्या करेंगे हम जी कर आपके बिना राम जी? नहीं कांता, तुमको हमारी कसम है, तुम्हें हमारी कसम है, बचा लो अपने आप को। नहीं, बस एक मिनट रुक, एक मिनट, ये ले पकड़, रस्से पकड़ ले भाई। ये मत समझना कि अपन ने तेरे लिए किया, क्या ये सब इसके लिए? चल अभी कमते हो जाए, चल बर्दाश्त नहीं होता अपन से, चल बढ़ जा। स्वामी राम को तो सीता मिल गई, अभी क्या? वो तो बराबर, लेकिन अब उनके मन रामायण कैसे पूरा होगा? तेरा बेजा भी डुप्लीकेट होता जा रहा है, असली नौटंकी तो आप शुरू होगा, तू देख। अच्छा ऐसा? क्या या देवी सर्वभूते नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। हे गंगा मैया, सबका भला करना और हमारे राम जी की रक्षा हर कदम पर करना। अरे वहाँ गंगा मैया रामपुर में इंतजार कर रही है, ये तो बम्बई का समंदर है, चलिए अभी। एक बार गंगा मैया का पानी मिल जाए ना, तो सारे दुनिया के समंदर में उन्हीं का रूप झलकता है। उन्हीं का तो प्रताप है कि इस माया नगरी में हम आपको पा सके। ये तो तुम्हारा प्यार है जिसके विश्वास पर अब तक हम जी रहे हैं। अब हमसे कभी दूर मत जाना राम जी। कभी नहीं। अच्छा अब जल्दी चलिए, वरना रामपुर की ट्रेन हमें जरूर छोड़कर चली जाएगी। चलिए। अरे आप आए, आइए कांता, देखो तो कौन पधारे हैं। प्रणाम। ये? अरे यही तो रंगा स्वामी है जिन्होंने जमानत देकर हमको जेल से छुड़ाया है। आप जरूर कोई भूल कर रहे हैं। अरे नहीं कांता, आप नहीं जानते, ये गलत आदमी है। अब चलिए यहाँ से। अरे पुलिस।
शाबाश नटवरलाल, पकड़ो साले को। अरे अरे हम पूछ सकते हैं काहे को? वारंट है तेरे नाम का किशन, तेरा खेल खत्म हुआ। अरे यही तो गलती है, हमारा नाम किशन नहीं, हम राम गुलाम है। अबे चुप। अरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जरा इनसे पूछ लीजिए, ये पीटर ये है रंगा स्वामी, इनसे पूछ लीजिए हम किशन नहीं है। साहब ये किशन ही है। बंदो साले को। अरे अरे क्या कर रहे हो हमारे राम को, छोड़ो। अरे छोड़ो क्या कर रहे हो? अरे गंदा गंदा, देखो का गंदा मैया। अरे क्या हो गया? अरे छोड़ो, अरे किशन गारो फिक्र मत करना रे, ये तेरी कांता को हम अपनी गीतत पे ज्यादा प्यार करने का। आजा आजा आजा। छोड़ दे हमको, छोड़ दे राक्षस, छोड़ दो। इंस्पेक्टर कुछ तो अपने वर्दी का ख्याल कर, वो लोग मार देंगे हमारी कांता को, हमें जाने दे भाई। अरे कहा करेगा रे जाके तू, खाली फोकट में रंगा स्वामी के रंग में भंग करने का काम। इंस्पेक्टर हमें जाने दे। अरे सुन, मैं है ना रंगा स्वामी से भी जास्ती पैसा देगा तेरे को लौंडिया की दलाली का। सवाल तूने खरीदी होगी ये वर्दी साले अपने दलाली से। क्या बोला रे? क्या बोला क्या बोला? क्या बोला तू मेरे को? तू मेरा वर्दी पकड़ा, तू मेरा वर्दी पकड़ा, तेरा इतना हिम्मत? मारो साले को। Thank you.
रंगास्वामी मलाई तो खा ही चुका होगा, जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरी कांता में। चलते जल्दी तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम राम गुलाम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है, लिहाजा ये अदालत मुलजिम राम गुलाम को मुजरिम करार देते हुए ताजिरात हिंद जेर दफा 302 के तहत फांसी का हुक्म देती है। उसके गर्दन में फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो।
ले आए टिकट? हाँ, कल सुबह का है। तुम तो बेकार परेशान होते हो, हम तो आप ही चले जाते हैं। रामपुर स्टेशन छोड़ के तेरे को अपन वापस चलाएंगे बस। कांता, तेरा प्यार तेरे को वापस दिलाना कांता। अजी साहब आ गए, चलो जल्दी करो। अरे बाजू कसो, अजी साहब आ रहे हैं। लगता है जेल का रिकॉर्ड चेक करने से पहले तुम्हारे दिमाग का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा जेलर दिलदार सिंह बेजोड़। हमारी कांता, हमको इस दुनिया से जाने का गम है तो बस एक बात का, कि हम तुमको कभी सुख नहीं दे सके। असल में हमारा ही भाग्य खराब है। भाग्य पलटने का टाइम आ गया भिड़ू, चल जल्दी चल जल्दी। किसान तुम? अरे भिड़ू, सवाल जवाब बाद में, कपड़े जल्दी बदली करो, कहीं वो अट्ठनी छाप आ गया तो लफड़े हो जाएंगे लफड़े। चल चल चल, कपड़े बदली कर लो। क्या तुम हमको यहां से भगाने आए हो? अरे 100% अपन ने जबान दिया तेरे को कांता तक पहुंचाने का, ये ले पेन पेन। अब कुछ नहीं हो सकता किशन, भाग्य रेखा को जिधर मुड़ना था वहां मुड़ चुकी है, अब फांसी हमारी तकदीर है। तो बुला लेना कांता को भी, चला दे उसे भी अपने साथ सुली पे, ताकि तेरे बाद रोते रोते मरने से अच्छा वो तेरे साथ ही मर जाए। मैं खूब समझता हूं किसान, कांता की हालत देखकर तू पगला गया है, लेकिन ये तो सोच, हम यहां से निकल भी गए तो कब तक बचते रहेंगे पुलिस के हाथ से? अरे मैं कोई पावली है क्या? मैं गारंटी देता हूं तेरे को कुछ नहीं होगा, चल तू यहां से। तेरे जैसे 2-4 जेलर अगर इस देश में और हो जाए तो सारे देश का कबाड़ा हो जाएगा। सारे जो क्रिमिनल हैं वो महात्मा हो जाएंगे, और जितने भी महात्मा हैं वो क्रिमिनल। गलत आदमी बाहर और बाहर के आदमी अंदर। साहब मेरा रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर है। बंद कर का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड लगा रखा, रिकॉर्ड पे सुई अटक गई है का? आजकल के जमाने में सारा रिकॉर्ड सुनता कौन है? गाना में लोग रिकॉर्ड पे नहीं सुनते, कैसेट पे सुनते हैं, और तेरा कैसेट प्लेयर खराब हो चुका है जेल का। तो तू नहीं जाएगा ना? नहीं भाई, हमारे यहाँ से जाना नामुमकिन है, ये पाप हम नहीं होने देंगे। ठीक है मैं चला जाता। अरे हाँ, ये तेरे कांता की निशानी ले, से रख ले। साहब, अरे हमको तो अपने आप पर शर्म आ रहा है कि तुम जैसा आदमी जो टेलर बनने के लायक नहीं है, हम उसको इतना बड़ा जेल का जेलर कैसे बना दिया। हम तुमको जहर पिलाकर खुद खुदकुशी कर लूंगा। कमांडर पकड़ो, जेल में डालो, अंदर डाल दो, सबको बंद कर दो, चलो धकेलो। रंगा स्वामी देखा कैसा चौक गया। अन्ना क्या बोला था हम, ये जरूर जेल में आएगा राम गुलाम को उड़ाने का वास्ते, मगर अपना जेल में ये दोनों डुप्लीकेट एक साथ फंस जाएगा, ये अपन भी नहीं सोचा था रे। रंगा स्वामी आज मत रुकना, आज टाइम बहुत कम है रंगा स्वामी। तो इधर भी किधर टाइम रहने का, उधर गेता मेरा इंतजार करने का, आज अपन भेजा ठंडा करेगा। ये कलर कर इडली वाला, रुक रुक, मैं डर गया रे। डुप्लीकेट साला, डुप्लीकेट बंदूक से गोली चलाएगा है? और जाने दे, जाने दे। अपना भी एक पुराना हिसाब बाकी है किशन। आ! 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 आ!
कुछ नहीं, बेहोश हो गया है। ओ, इसे जल्दी स्टेशन पहुंचा दो, कांता वहां इंतजार कर रही है रामपुर की ट्रेन में। अरे फिकर नॉट किशन, हम डीलर को जेल में बंद करके आए। ऐसे वेरी गुड भैया दादा, इससे पहले कि वो बाहर आ जाए अब वो अंदर हो जाते क्या? एक मिनट, तू अंदर ये बाहर, हम समझा नहीं। अरे समझने का टाइम नहीं है भैया दादा, राम गुलाम को जल्दी पहुंचाओ, इसका मंजिल इसका इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी। और तू? अपन को अपन का मंजिल मिल गया भैया दादा। नहीं तू ऐसा नहीं करेगा रे किशन, तू चाहता है कि इसको आजाद करा के खुद फांसी के तख्ते पे चढ़ जाए, पागल हो गया क्या तू? पागलपन तो कभी का खत्म हो गया भैया दादा, अभी तो अपन एकदम होश में है, सब कुछ खोने में कितना सुकून मिलता है ये अपन बता नहीं सकता। तू किसी बेवकूफ की बात करता है रे, कुछ भी खोने की जरूरत नहीं है। देख तो हमारे साथ चल, इसको इसकी कांता मिल जाएगी तो हमारे पास रहेगा। फिर वही बात, अगर अपन भी यहां से निकल गया तो राम गुलाम का पीछा पुलिस छोड़ेगी नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा वो। अगर अपन यहां रहता है तो सब शांत, कांता की जिंदगी से सारे कांटे दूर, चैन से रहेगी वो। वो चैन से रहेगी, वो चैन से रहेगी तो हमारा क्या होगा? हमारी जिंदगी में तो कांटे बिखर जाएंगे। अरे हम कहां जवाब देंगे तेरी भाभी को कि हम कौन से फांसी के तख्ते पे छोड़ कर आए इसको? नहीं, हम तेरे को जाने नहीं देंगे, हम तेरे को जाने नहीं ऐसा देंगे। ऐसा मत करना भैया दादा, ऐसा मत करना। तुम तो जानते हो कि आज तक जो कुछ भी हुआ है अपुन की वजह से हुआ है। अपुन ने हर वक्त अपुन के बारे में सोचा, अंधा बन के। आज मौका मिला है प्रायश्चित करने का भैया दादा, आपको कसम है, आपको कसम है, अपुन को जाने देना और इसको इसको कांता तक पहुंचा देना, नहीं तो मर जाएगी वो, मर जाएगी इसके बिना। अरे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? इससे तो अच्छा होता कि हम मर गए होते, कम से कम ये दिन देखना तो नसीब नहीं होते। भैया दादा मत कहो ऐसा, ऐसा मत कहो। आप उनके जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं, गटर से उठा के उसे इंसान तो आप जैसे लोग से बनाते हैं। बहुत प्यार मिला है भैया दादा आपसे, आपसे बहुत प्यार मिला है, माँ बाप से भी बढ़कर, मगर आज जाने दो भैया दादा। किशन बेटा बस कर, हम सारी जिंदगी तेरे कितना बुरा भला का नहीं बोला रे, आज तेरे को देख के पता चला कि सच्चा इंसान और सच्चा प्रेमी का होता है। अरे बहुत मान है रे तू, बहुत ऊंचा है तू, बहुत ऊंचा है। भाभी को अपन को, अरे किशन रुक जा रे।
यानी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसी चकरा गया, अभी ठीक हो जाएगी। हम वो बेटी हम राम गुलाम, एक छोकरी आखी रात तने मिलने का इंतजार करती रही, मिलना चाहोगे? का दिल बोलता था तो आएंगे जरूर। झूठे कहेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब तू मेरे को झूठा बोलता है। तोरे एक बार और बोलना, बोलना। क्या हो रे? क्या हो रहे? क्या क्या हो रहे? क्या क्या कर रहे? क्या रे? क्या क्या? देख लेना, एक दिन हम तुम्हारी बाहों में ही दम तोड़ देंगे। काय को अपन के लिए? अच्छा ठीक है, सॉरी यार। देख तू जान दे देगी ना तो अपन भी इस दुनिया से निकल जाएगा। क्या किया रे तू? क्या किया? चलती हो अब, देर मत करना किशन। हाँ किशन, किशन भैया, दादा ये राम जी